हेलो एवरीवन, होप ऑल आर यू डूइंग वेल। तो आज हम लोग बनाएंगे परवल की भरवा सब्जी, जिसको कि आप राइस के साथ, रोटी के साथ खा सकते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम परवल लिया है। तो आप कोई सा भी परवल ले सकते हैं, देसी वाले या ये बड़े वाले, कोई सा भी ले सकते हैं। तो इसको मैंने अच्छे से धो लिया है और अब हम क्या करेंगे ना, इसके छिलकों को हटा लेंगे। तो मैंने यहाँ पर चाकू से इसके छिलकों को हटाया, क्योंकि इसके छिलके पतले होते हैं ना, तो चाकू से इजली निकल जाते हैं। तो सभी परवल को हमने छिल लिया है। फिर हम इसको अच्छे से एक बार फिर से पानी से धो लेंगे। और अब हम क्या करते हैं ना, बीच से इसको काट लेते हैं। तो ये देखिए, ऐसे हमें इसको काटना है ताकि हम इसमें मसाले अच्छे से स्टफ़ कर सकें, और इसके अंदर का जो बीज है ना, इसे हम रिमूव कर देंगे। तो यहाँ पर ये देखिए, जो पके हुए थोड़े से परवल होते हैं ना, इनका बीज हार्ड होता है, तो हम इसको मसालों में यूज़ नहीं करेंगे। और ये जो सॉफ्ट वाला बीज है ना, हम इसको मसालों में यूज़ कर लेंगे। तो हमने यहाँ पर मिक्सर का जार लिया है, हम इसमें बीज को डाल करके ऐसे दरदरा सा पीस लेते हैं, ये देखिए इस तरह से। अब हम स्टफिंग के लिए मसाला तैयार करते हैं। तो मसाले के लिए मैंने यहाँ पर 4 प्याज लिए हैं, ये मीडियम साइज़ के प्याज हैं। तो इसको मैंने यहाँ पर ऐसे ही मोटा मोटा काट लिया है, क्योंकि इसको हम चॉप करेंगे। तो आप चाहें तो, अगर आपके पास चॉपर नहीं है, तो आप मिक्सर में डालकर पल्स मोड में इसको ग्राइंड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर इसको चॉप कर रही हूँ। तो इससे ये देखिए, इस तरीके के टेक्सचर का हमको चाहिए। तो मैंने यहाँ पर इसको चॉप कर लिया है, और 2 टमाटर मैंने यहाँ पर लिया है। टमाटर को भी हम ऐसे ही मोटा मोटा काट लेंगे। और इसको मैंने उसी सेम जार को यूज़ किया है, उसमें मैंने ग्राइंड कर लिया है। पैन में तेल गरम किया, जीरा डाल दिया है, 3-4 हरी मिर्च, लहसुन, अदरक और काली मिर्च का पेस्ट डाल दिया है मैंने यहाँ पर, और हींग डाल दिया है। तो यहाँ पर 3 से 4 काली मिर्च भी मैंने लहसुन अदरक के साथ कूट कर डाल दिया था। फिर यहाँ पर चॉप किया हुआ प्याज डाल देंगे। प्याज को अच्छे से भून लेना है, और जब थोड़ा सा प्याज भून जाएगा, तो इसमें हम ये जो बीज था ना परवल का, इसको भी डाल देंगे और इसको भी अच्छे से भून लेंगे। और जैसे ही प्याज भून जाएगा, तो यहाँ पर टमाटर, नमक, लाल मिर्च पाउडर, आमचूर पाउडर, धनिया पाउडर, हल्दी डाल देंगे। सब आधी चम्मच डालना है हमें। और फिर इस मसाले को हमें लगभग 5 से 7 मिनट तक खूब भूनना है। देखिए, पहले से ये प्याज गलकर बिल्कुल आधा हो गया है, और कढ़ाई से तेल भी छोड़ दिया है। तो अब हम इसमें गरम मसाला डाल दिए हैं, और अच्छे से मिक्स करके अब हम इसको ठंडा होने के लिए रख देते हैं। जब ये ठंडा हो जाएगा, तो हम स्टफ़ करेंगे। अब मैंने वापस से वही पैन यूज़ किया है, इसमें मैंने सरसों डाल दिया है 1 छोटी चम्मच, और यहाँ पर मैंने करी पत्ता डाल दिया है, और यहाँ मैंने पहले से कुछ सब्जियाँ चॉप करके रखी हैं। तो इसमें हरी मिर्च, अदरक और प्याज डालकर हम अच्छे से इसको भून लेंगे। जैसे ही ये प्याज पक जाएगा, फिर यहाँ पर बारीक कटी हुई शिमला मिर्च और गाजर डाल देंगे। आपके पास जो भी सब्जियाँ हैं, बीन्स, गोभी, आप डाल सकते हैं। नमक डाल देंगे स्वाद के अनुसार, हल्दी डाल दिया है मैंने। मैंने यहाँ पर पहले से ही बॉयल करके काबुली चना रखा हुआ था, तो ये आधी कप होगी, तो उसको हम डाल देंगे। लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है मैंने, भुना हुआ जीरा पाउडर डाल दिया है, धनिया पाउडर डाल देना है और काली मिर्च डाल देनी है। तो हम मसालों को अच्छे से भून लेंगे, और आप एक बार मेरे तरीके से लेमन राइस बनाकर देखिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। फिर मेरे पास 1 कटोरी के आसपास में चावल होगा, तो मैंने चावल को डाल दिया है। सबको अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। तो मैं यहाँ पर आधा नींबू का रस डाल रही हूँ, क्योंकि इसमें रस बहुत ही ज़्यादा है। आप अपने अकॉर्डिंग इसमें नींबू का रस डाल सकते हैं। और धनिया पत्ती मैंने डाल दी है। ये देखिए, बहुत ही ज़्यादा टेम्पटिंग लेमन राइस बनकर तैयार हुआ है। ये एक बार आप ज़रूर बनाइएगा। अब यहाँ पर देखिए, मसाले ठंडे हो गए हैं, तो हम इसको स्टफ़ कर लेते हैं। तो मैंने ये परवल लिया है, इसमें हम एक एक करके स्टफ़ कर लेंगे। तो जैसे ये देखिए, चम्मच की हेल्प से हम अंदर डालेंगे ऐसे, और बस जो एक्स्ट्रा होगा उसको हम रिमूव करते जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने सारे परवल को स्टफ़ कर लिया है। अब मैंने पैन लिया है, इसमें तेल डाल देंगे। जैसे ही तेल गर्म होगा, एक एक करके हम सारे परवल को यहाँ पर रख देंगे। आप चाहे तो इसको कढ़ाई में भी पका सकते हैं। ऊपर से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया है और मिक्स कर लिया है। इसको हम कवर कर देंगे और सिम पर पकाएंगे। तो थोड़ी थोड़ी देर में हम इसको अलटते पलटते रहेंगे, नहीं तो परवल क्या होगा ना कि जल जाएगा। तो नमक डालने से परवल जल्दी से पक जाते हैं। ये लगभग 10 से 12 मिनट में पक कर तैयार हो गए थे। ये देखिए, मैंने इसको चेक भी कर लिया है, आप नाइफ़ या टूथपिक से चेक कर सकते हैं। देखिए, बहुत ही मज़ेदार और लजीज परवल बनकर तैयार हुआ है। आप एक बार इसको ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा।